हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लाइफ लाइन ऑफ अर्श, आपके दोस्त आपके होस्ट अर्श त्यागी के साथ। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाले है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि एमएक्स टकाटक बैन, आपने ऐसा थंबनेल देखा होगा। मगर यदि आप इस सच्चाई के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप कतई मत करना, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी वीडियो समझ आएगी और आप अपनी हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए ही बनाने वाला हूं। तो देरी किए बिना सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। तो इंतजार किस बात का। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो करना आपको कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी साइड में मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही है, तो मोबाइल स्क्रीन पे हम प्ले स्टोर की तरफ जैसे ही हम चलेंगे तो प्ले स्टोर पे हम एमएक्स टकाटक जैसे लिखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि मैं इंडिया में नहीं रहता हूं, मैं आउट ऑफ इंडिया में रहता हूं। तो आउट ऑफ इंडिया में रहने के कारण प्ले स्टोर पे एमएक्स टकाटक नहीं है, तो इसीलिए मैं क्रोम ब्राउजर की तरफ चलता हूं। लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, एमएक्स टकाटक लेटेस्ट अपडेट हम यही लिखेंगे और कुछ नहीं, लेटेस्ट अपडेट वर्जन डाउनलोड। तो ये हमने लिख लिया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर आया है एमएक्स टकाटक लेटेस्ट अपडेट, और इसमें लेटेस्ट जो अपडेट दिख रहा है 1 मई 2022। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमएक्स टकाटक पे हर दिन, और ये कह लीजिए कि हर दिन क्या, हर लास्ट नाइट भी अभी एक अपडेट आया था, यानी 12 मई का लास्ट अपडेट आया था, जो कल की डेट में आया था। अगर आप अब हमारी वीडियो को ये 13 तारीख में देख रहे हैं या फिर आगे देख रहे हैं, तो कल की तारीख में आप एक अपडेट आया था रात में, जिस अपडेट आने के बाद हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो उसी अपडेट की बात हम कर लेते हैं। ये जो मतलब 11 मई को एक अपडेट आया था, उस अपडेट में हमारा सब कुछ सही चल रहा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, हम आसानी से वीडियो पोस्ट कर पा रहे थे, आसानी से वीडियो देख पा रहे थे। तो आजकल क्या आ रहा है कि जैसे हैं हम उस अपडेट को किए हैं, तो अपडेट करने के बाद जैसे हम एमएक्स टकाटक ओपन करते हैं, तो देखिए कितनी बार भी आप ओपन कर लेते हैं तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, एमएक्स टकाटक कीप स्टॉपिंग। आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, इस प्रॉब्लम की आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट डायरेक्ट हो रही है। तो आप सब लोगों के पास भी अगर ये अपडेट आया है, आप लोग अपडेट किए हो, तो इस अपडेट का ये जो अपडेट है 1.25.5 यानी 1.25.5 है, ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है जो 12 मई को आपको देखने को मिलेगा। तो 12 मई का अपडेट था ये, और इससे पहले जो 11 मई का अपडेट आया था 1.25 यानी 1.25, उस अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप सब लोगों का एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, जो लोग रेगुलर एक्टिव रहते हैं, रेगुलर वीडियो पोस्ट करते हैं कि यार हमारा तो एमएक्स टकाटक ओपन ही नहीं हो रहा है, तो हम वीडियो पोस्ट कैसे करें, कैसे अब हम आज हम वीडियो पोस्ट कैसे करेंगे। तो यदि आप लोगों का ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, 100% में आपका एमएक्स टकाटक वर्किंग करने लगेगा, आप वीडियो पोस्ट कर पाओगे, वीडियो पोस्ट कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिसको जो प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है। वैसे एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिसके माध्यम से आप इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम और हम बता रहे हैं, जिसके पास इससे पहला वर्जन था जो एमएक्स टकाटक का जो वर्जन था इससे पहले वाला 1.25, तो उस
1.25 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके पास वो है तो अभी अपडेट ना करें, जिसने अपडेट नहीं किया हो। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आ जाता है, वैसे एमएक्स टकाटक टीम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 24 से 48 घंटे में हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। तो हमारे ख्याल से ये रात से प्रॉब्लम हो रही है, तो आज रात तक किसी टाइम तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश किया हूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है आर्स त्यागी ऑफिशियल। और यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये भी बताते चले अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं या किस एप्लीकेशन पर बनाएं, टिकी पर, मौज पर या मौज पे, जिसने मौज का सिलेक्शन जिसका हो चुका है मौज फॉर क्रिएटर में, उसको मिंट्स नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। सब सारी समस्याओं का समाधान का एक ही उपाय है आपका, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफ लाइन ऑफ अर्स। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए लव यू ऑल। जैसे ही एमएक्स का नया अपडेट आता है तो मैं नई वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट पे या नेक्स्ट अपडेट में लाइव का ऑप्शन भी आपको देखने को मिले। तो अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। तब तक के लिए लव यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।